आतंक के खिलाफ सेना को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में आतंक का जहर फैलाने आए तीन आतंकियों को किया ढेर। इलाके में घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। काशी में आज फिर मची है नमो नमो की गूंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज जाएंगे वाराणसी। सांस्कृतिक झलक के बीच वाराणसी में होगा ऐतिहासिक स्वागत। मिर्जापुर में सोलर प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। आर पार की तैयारी में महाराष्ट्र के आंदोलनकारी किसान। कर्ज माफी समेत कई मुद्दों को लेकर पहुंचे मुंबई के आजाद मैदान। कुछ ही देर बाद विधानसभा का करेंगे घेराव। सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम की आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। आईएनएक्स मीडिया के एफआईबीपी क्लियरेंस के लिए 6,05,00,000 रुपए की रिश्वत लेने का है आरोप। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हुए कथित घोटाले की जांच से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एग्जाम के प्रश्न पत्र और आंसर शीट हुए थे लीक। फतेहपुर में पति और पत्नी ने ट्रेन से कट कर दी जान। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रीलंका में खेले जा रहे ट्रायंगुलर T20 सीरीज में आज श्रीलंका का मुकाबला भारत से। टीम इंडिया मेजबान टीम से मिली पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकरार।